डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम ये देखते हैं हमने अब तक क्या पढ़ा। एक नज़र अपने पिछले काम पर। अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज आपका लेसन है फायजास बिस्किट। ठीक है, ये देखिए फायजास बिस्किट। अब इसकी हम रीडिंग एक्सप्लेनेशन। फायजा इज़ पुअर। फायजा जो थी वो पुअर थी, यानी गरीब थी। शी इज़ हंगरी, वो भूखी थी। हर टिफिन कैरियर इज़ एम्प्टी, उसके पास जो टिफिन था वो एम्प्टी था। लोग देयर इज़ द रेस्टोरेंट, किसी ने एकदम गाड़ी में कोई पहुंचा और आवाज़ लगाई। अब देखते हैं अ कार स्टॉपिंग एंड पीपल आर गेटिंग आउट। जहाँ फायजा खड़ी थी वो एक रेस्टोरेंट था, अचानक वहाँ एक कार आकर रुकी, उसमें से पीपल निकले यानी लोग निकले, और एकदम एक बच्ची चिल्लाई, लोग देयर द रेस्टोरेंट, ये रहा रेस्टोरेंट। अ लिटिल गर्ल लुक्स एट फायजा, दे ऑल गो इन टू द रेस्टोरेंट। फिर फायजा को छोटी बच्ची ने देखा और सब अंदर चले गए। ओहो आइसक्रीम, फायजा खिड़की से सब देख रही थी। फायजा इज़ लुकिंग थ्रू द विंडो ऑफ द रेस्टोरेंट, उसने देखा ओ आइसक्रीम, उसको भूख भी लग रही थी। द पीपल आर हैविंग द फन, दे आर ईटिंग आइसक्रीम एंड बिस्किट। वो लोग क्या खा रहे थे? आइसक्रीम और बिस्किट। ठीक, द लिटिल गर्ल इज कटिंग अ केक, वॉट आर द अदर्स सिंगिंग, और कुछ लोग गाना गा रहे थे। कौन सा? हैप्पी बर्थडे टू यू वाला। आप देखिए ऊपर वाली साइड पे लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे टू यू। ओके, वो बच्ची की सालगिरह थी। ओके, फायजा इज सिटिंग ऑन अ वॉल, फायजा उस पर बैठी हुई थी। क्लोज टू द कार, कार के करीब। द पार्टी इज़ ओवर, पार्टी ख़त्म हो गई। एवरी वन इज़ कैरिंग पार्टी बैग्स एंड वेयरिंग पार्टी हैट, सब लोग पार्टी बैग्स और पार्टी हैट्स पहने हुए थे। द लिटिल गर्ल गोज टू फायजा, शी गिव्स हर अ बैग एंड अ बॉक्स। फायजा के पास छोटी बच्ची गई, उसे एक बैग और बॉक्स दिया। फायजा ओपन्स द बैग, शी ईट्स सम केक, शी डज नॉट ओपन द बॉक्स। वॉट इज इन इट, इसमें क्या है? उसने, शी डज नॉट ओपन द बॉक्स। अब देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग फायजा ने देखिए क्या किया। फायजा कहाँ पहुँची? शी पुट्स द बॉक्स इन हर बास्केट, शी पुट्स द बास्केट ऑन हर हेड, शी गोज डाउन द रोड। और वो अपने सर पर रख कर वो बास्केट ले जा रही थी डाउन द रोड। द नेक्स्ट मॉर्निंग फायजा इज आउटसाइड अ स्कूल, वॉट इज शी डूइंग, हु इज बाइंग समथिंग फ्रॉम हर, कौन उससे कुछ चीज़ें ले रहा था? नेक्स्ट मॉर्निंग वो स्कूल के आगे खड़ी थी और बच्चों को क्या दे रही थी? बच्चों को वो बर्कीज बटर केक्स दे रही थी। ठीक है, और 10 साल बाद फायजा ने इतनी तरक्की कर ली कि उसने अपनी एक बेकरी खोल ली और फायजा बिस्किट्स के नाम से। वो बच्चों को क्या दे रही थी? बर्कीज बटर बिस्किट्स, यानी जो उसे उस बच्ची ने दिए थे उसी तरह उसने वो समझ कर अपनी अकल से, अपनी समझदारी से उसने देखे ये इन पर अमल किया, उन्हें बना बना कर सेल आउट किया और आखिर उसने अपनी बेकरी खोल ली फायजास बिस्किट्स के नाम से। ओके क्लास।